हेलो दोस्तों, एमकेएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके लिए आज एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली मेट्रो आरटीआई अप्लाई की और दोस्तों इसकी न्यू वैकेंसी की, क्योंकि दोस्तों काफ़ी दिनों से काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि इसमें कितनी पोस्ट वैकेंट है और इसकी वैकेंसी कब तक आएगी और जो 2019 की वैकेंसी थी उसका क्या हुआ है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर फाइनली दिल्ली मेट्रो में आरटीआई अप्लाई कर दिया है। हालांकि पहले भी एक बार अप्लाई करने की कोशिश की थी तो उस समय जो साइट है वो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो है वहाँ पर अप्लाई नहीं हो पाया था आरटीआई, और आज मैंने फाइनली यहाँ पर आरटीआई अप्लाई कर दिया है। और दोस्तों, यहाँ पर मैंने कौन कौन से क्वेश्चन लगाए हैं वो सारी डिटेल मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों, आपको सबसे पहले दिल्ली मेट्रो की जो पल पल की अपडेट है वो जानने के लिए आप जो एमकेएन एकेडमी का यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और साथ में दोस्तों बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं और साथ ही दोस्तों यूपी मेट्रो की जो पल पल की अपडेट है वो भी यहाँ पर दी जाती है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से जो क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पर अप्लाई किए हैं। दोस्तों, आपके सामने यहाँ पर चार क्वेश्चन आ चुके हैं और चारों ही क्वेश्चन में से जैसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों, इन विच पोस्ट ऑफ डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल टेक्निकल पोस्ट ऑफ दिल्ली मेट्रो 2019 हैव बीन कैंसल्ड। तो दोस्तों, मैंने सबसे पहले यहाँ पर जो 2019 की जो वैकेंसी थी दिल्ली मेट्रो की जिसको रद्द कर दिया गया है उसके बारे में पूछा है कि क्या सभी पोस्टों को, जो टेक्निकल पोस्टें थी, क्या सभी को यहाँ पर रद्द कर दिया गया है। क्योंकि दोस्तों, वहाँ पर किसी भी कैंडिडेट को ज्वाइनिंग नहीं दी गई थी रिजल्ट के बाद में, तो वो मैंने यहाँ पर पूछा है। और दोस्तों, यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पर लगाया है कि एट प्रेजेंट हाउ मेनी पोस्ट आर वैकेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ पोस्ट इन दिल्ली मेट्रो। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने पूछा है कि दिल्ली मेट्रो में वर्तमान में सभी कैटेगरी की कितनी पोस्ट वैकेंट है, चाहे वो मेंटेनर की हो, चाहे वो जेई की हो, चाहे वो ट्रेन मेंटेनर की हो, चाहे वो सीआरए की हो यानी कि कस्टमर रिलेशन असिस्टेंट की हो, सभी पोस्टों के बारे में मैंने यहाँ पर जो है दिल्ली मेट्रो को पूछा है। वहीं दोस्तों, जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें मैंने पूछा है कि हाउ मेनी पोस्ट ऑफ ऑल टाइप्स हैव बीन रिक्रूटेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन दिल्ली मेट्रो फ्रॉम 2019 टिल नाउ। यानी कि दोस्तों, मैंने यहाँ पर दिल्ली मेट्रो से पूछा है कि 2019 से लेकर अब तक दिल्ली मेट्रो ने कितने पदों पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर यहाँ पर जो है भर्ती की है। क्योंकि दोस्तों, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि दिल्ली मेट्रो जो है अब प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रही है, यानी कि उसको जो है वो ठेके पे जो भर्तियाँ हैं वो ले रही है, इसलिए यहाँ पर रेगुलर जो सीधी भर्ती का रिक्वायरमेंट है वो नहीं आ रहा है। ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है दिल्ली मेट्रो से। और दोस्तों, चौथे क्वेश्चन में है व्हेन विल द डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑन टेक्निकल पोस्ट इन दिल्ली मेट्रो कम। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने पूछा है कि दिल्ली मेट्रो में जो टेक्निकल पोस्टें हैं यानी कि वो मेंटेनर है, चाहे ट्रेन ऑपरेटर है, जितनी भी टेक्निकल पोस्टें हैं सभी के बारे में यहाँ पर पूछा है कि इन सभी पर कब तक न्यू वैकेंसी यानी कि डायरेक्ट रिक्वायरमेंट यानी कि सीधी भर्ती कब तक आ जाएगी, ये मैंने यहाँ पर पूछा है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर दिल्ली मेट्रो से सारी डिटेल जो यहाँ पर आरटीआई जवाब आएगा वो आपको एक वीडियो बना करके यहाँ पर डिटेल से बताया जाएगा। और दोस्तों, इसी तरह दिल्ली मेट्रो की जो वीडियोज़ है वो यहाँ पर लाई जाती है। और दोस्तों, कुछ कारणों की वजह से यहाँ पर बीच में दिल्ली मेट्रो की वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी, लेकिन अब जो है यहाँ पर रेगुलर होगी। और साथ ही दोस्तों, यूपी मेट्रो है चाहे जयपुर मेट्रो है, उनकी भी जो पल पल की अपडेट है वो यहाँ पर दी जाती है। तो दोस्तों, आप मेट्रो की सारी वैकेंसीज़ के लिए और राजस्थान की सभी भर्तियों की वैकेंसीज़ की अपडेट के लिए एमकेएन एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।